हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 की है। ईआरपी 9 के अंदर खासतौर पर जब आप टीसीएस पर वर्क करते हैं, जी हां टीडीएस नहीं टीसीएस की बात कर रहा हूं, टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और जबकि टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो सोर्स पर जो आपका इनकम होता है, ठीक है, या जो गुड्स होते हैं आप जब उनको सेल करते हैं तो आप उस पर टीसीएस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यही टीसीएस हमें एक्टिवेट करना है। और इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे और ये कैसे लगे होगेगा, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार कि कैसे इसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहला काम कि आपको टीसीएस एक्टिवेट करना है। तो F11 की प्रेस कीजिएगा, यहाँ सीधा आ जाएगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए TCS ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर जाकर के इसको यस कर दीजिएगा और ये सेट ऑब्लिक अल्टर TCS डिटेल इसको भी यस करिएगा। यहाँ पे आपका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तो वो डाल दीजिएगा आराम से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर आता है उसको भी डाल दीजिएगा, फिलहाल मैंने ब्लैंक रखा है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल होगी, यहाँ पर आपका ब्रांच या डिविजन का नाम आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने रखा है, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पे ईशा यहाँ पे नाम डाल दिया, जो ये डिडक्टी होंगे उनका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है और यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, एंटर करते करते लास्ट तक आएंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब हमको कुछ लेजर्स बनाने हैं, जैसे किन किन चीजों के लेजर्स बनाने हैं। देखिए परचेज तो पहले से कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ परचेज किस तरीके से किया गया। देखिए यहाँ पर परचेज किया गया है डेल का लैपटॉप, ठीक है, ये डेल का लैपटॉप है। अब जब आप परचेज करेंगे तो इस पर टीडीएस कटेगा, क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो टीडीएस फिलहाल इस पे मैंने काटा नहीं है, लेकिन आप चाहे तो टीडीएस भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए डेल का लैपटॉप कितना है, 10 है और एक की कीमत कितनी है, 50,000 है, ठीक है। तो इस तरीके से 10 की कीमत यहाँ पर आ चुकी है और अब जो टीसीएस है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर और भी लेजर्स को देख लेते हैं कि लेजर्स और कौन कौन से हमारे पास मौजूद है, ठीक है, उनको एक बार चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पे अल्टर पे आते हैं, तो ये देखिए एक जो है डेटर पार्टी का लेजर मेरे पास है, ठीक है। चूंकि सेल्स में हम एंट्री पास करेंगे तो डेटर पार्टी का लेजर आएगा और डेटर पार्टी का ग्रुप जो है होता है संडी डेटर। तो यहाँ पे संडी डेटर किया है और यहाँ पे इज टीडीएस डिडक्टेबल तो यस किया है और यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किया है। यहाँ पे पैन नंबर आपको देना बहुत जरूरी है, तो जब आप डेटर पार्टी का लेजर बनाइएगा तो उस वक्त पैन नंबर जरूर 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 दीजिएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये जब हो जाएगा तब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, ये देखिए ये जो है ना यहाँ पे, तो पहले अंडर संडी डेटर ग्रुप हो गया, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर जो है इसको यस रखना है, ये जो पैन की डिटेल है इसको यस रखिएगा, एंटर कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कराइएगा। तो इस तरीके से ये लेजर बन जाएगा। सेल्स का लेजर आप जानते ही है, यहाँ पे सेल्स आ जाएगा और अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा ये इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड, मैंने यस रखा है, आप चाहे तो नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। टीसीएस एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पे टीसीएस ऑन सेल्स मैंने बना रखा है तो यही मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अगला जो है टीसीएस ऑन सेल्स एक बनाया मैंने, जिसे रखा है मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के कैटेगरी में और ये टीसीएस ही है, ये तो आप जानते ही है। और टीसीएस जो मैंने लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स बनाया है उसके अंडर इसे डाल दिया गया है और यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया गया है। तो ये कुछ लेजर्स है जो आपको बनाने थे, ये मैंने बता दिए। अब आप चलते हैं सीधा, हम चलते हैं कहां पे, सेल्स वाउचर में। तो F8 प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर में जाने के लिए, यहां पर रेफरेंस नंबर आएगा, एंटर करेंगे, यहां पर आएगा आपका डेटर पार्टी का नाम, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये जो डेटर पार्टी है, इसी तरीके से और भी आप डेटर पार्टी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां ऑल्ट सी किया और यहां लिखता हूं मैं युवराज, ठीक है, और युवराज जो है डेटर पार्टी है और यहां से क्या करता हूं सन्ड्री डेटर ग्रुप चूज कर लेता हूं, तो ये डेटर हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहां देखिए टीसीएस एप्लीकेबल यस रहेगा, ठीक है, और यहां पर क्या करता हूं, यहां पे मैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कर देता हूं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और यहां पर एंटर करके आते हैं और यहां पर ये लिख दिया हमने। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि पैन आईडी जो है बिल्कुल सही आनी चाहिए, ठीक है, गलत होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है, एंटर करके एंटर करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा, जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर सेल्स मैंने बताई दिया था कैसे बनाना है, तो ये सेल्स का लेजर लगा लीजिएगा। अब आपके पास पहले से स्टॉक आइटम मौजूद होंगे क्योंकि आपने परचेस किया होगा तो उसी वक्त बना लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास डेल का लैपटॉप है, तो ये देखिए डेल का लैपटॉप 10 है तो 5 हम बेच देते हैं, ठीक है, और बेचेंगे कितने का, एक बेचेंगे 65,000 का, ठीक है, क्योंकि खरीदा था हमने उस रेट से ज्यादा ही बेचेंगे, तो ये 65,000 का बेच दिया। मैंने इसमें जीएसटी अप्लाई नहीं किया है, नहीं तो हम लोग जीएसटी भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे टीसीएस ऑन सेल्स मैंने बनाया है
और जैसे ही मैंने TCS ऑन सेल्स लगाया तो यहां पे देख सकते हैं कि सीधा सीधा यहां पर TCS कट करके आ चुका है, देख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा, ठीक है, TCS डिडक्टेड ये मैंने लिख दिया, ठीक है, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, और एक्सेप्ट कराने के बाद यहां से आ जाते हैं बाहर। अब जब बाहर आएंगे तो दो बार डी प्रेस करेंगे और इसको देखेंगे कि बिल हमारा कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पे ये देखिए, यहां से जाएंगे, बैक करेंगे, अल्ट पी करेंगे और एंटर करेंगे, तो एंटर करेंगे तो आपको ये बिल कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। देखिए यहां पर ये बिल आपको दिखाई पड़ रहा है, TCS यहां जो कटा हुआ है ये भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये परसेंटेज नहीं आ रहा है, तो परसेंटेज हालांकि यहां पे दिया गया है 10%, ठीक है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन हम यहां पर TCS दे भी सकते हैं। कैसे देंगे, अल्ट पी करेंगे, और जब यहां पर ये इस तरीके से आएगा तो कहां चले जाएंगे, कॉन्फिगर पे चले जाएंगे, और जब कॉन्फिगर पे जाएंगे तो यहां पर आपको F12 प्रेस करना है। देखिए अभी हमारा टैक्सेशन वाला यहां पे कुछ भी नजर आ नहीं रहा है, तो F12 प्रेस कीजिए, F12 प्रेस करेंगे तो ये स्टेटटरी डिटेल नजर आ जाएगा, ठीक है, तो प्रिंट आइटम टैक्सेबल वैल्यू, और ये देखिए प्रिंट TCS डिटेल, तो इसको यहां से यस कर दीजिएगा, तो यहां पर TCS भी शो करना शुरू हो जाएगा। अल्ट को ले करिएगा और यहां पर यस करिएगा, तो अब देखिए यहां पे 10% कटा है, ये भी यहां पे दिखने लगेगा आपको, देखिए इनकम टैक्स, ठीक है, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी आपको TCS ना कैलकुलेट हो रहा हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब आपको जब भी TCS की एंट्री करनी होगी तो यही सेम प्रोसीजर अब आपको दोबारा नहीं करना है, एक बार आपने कर लिया तो फिर दोबारा आपको करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये तो एक एंट्री रही, इसी तरह की कई एंट्रीज मैं आपको एक और एंट्री करके दिखा दूं। जैसे मान लीजिए यहां भी रेफरेंस नंबर है वो दे दिया, ठीक है, और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक क्रेडिटर पार्टी, सॉरी डेटर पार्टी अलग से बनाते हैं। जैसे यहां पे लिख देता हूं गौरव, तो ये गौरव लिख दिया, एंटर किया, एंटर किया, यहां संडी डेटर ग्रुप रहेगा, ग्रुप तो आप जानते ही हैं, ठीक है, एंटर करेंगे, यहां पर TCS को एप्लीकेबल करेंगे, और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर नीचे आना है। जैसे मान लीजिए ये है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यहां कर दिया, एंटर करें, एंटर के, और यहां पर पैन नंबर इनका आएगा, तो यहां पर पैन नंबर इनका डाल देते हैं, ये हो गया। तो ये पैन नंबर देकर के एंटर करिए, अब कोई भी आपको एंट्री करनी हो, ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर वही चीज की जैसे आपने डेल का लैपटॉप था, एक ही आइटम है हमारे पास, तो ये ले लेते हैं। अब इस बार क्या करते हैं, तीन जो है सेल करते हैं, तो ये कुल हो गया 1,95,000 का, और यहाँ पर आकर के TCS ऑन सेल्स लगा दीजिए, और यहाँ पर ऑटोमेटिक TCS डिडक्ट हो जाएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये पूरी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। यहाँ पे एंटर कीजिए, इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, और ये बिल जो है आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पे दो बार डी प्रेस कीजिए, और ये संभवतः आपका बिल है, तो यहां पर ये बाहर आते हैं, ये गौरव, यहां पर ये देखिए, तो ये आपका बिल है। अल्ट पी कीजिएगा, यहाँ पे अल्ट पी एंटर कीजिएगा, तो ये आपका बिल भी आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे आप परसेंटेज भी आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि अगर पैन आईडी ना दी जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस बार जो डेटर पार्टी बनाऊंगा उसमें पैन आईडी नहीं देता हूँ, ठीक है, पैन आईडी मैं नहीं दूंगा। तो ये वर्तिका है और ये डेटर पार्टी है, और इनके पास पैन कार्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए पैन कार्ड ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो वो भी चेक करना होगा ना कि पैन कार्ड जो है नहीं है तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पैन कार्ड जो है यहाँ पर नहीं है इनका। तो अभी अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो इस कंडीशन में कितना परसेंट TCS कलेक्ट कितना परसेंट हम इनसे करेंगे वो देखना होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे डेल का लैपटॉप है, तो यहां से आए और यहाँ पे कर दिया, एक लैपटॉप करते हैं, और यहाँ पे देखिए 65,000 का एक पड़ रहा है। अब यहाँ TCS ऑन सेल्स जो है ये आ गया, तो यहाँ देखिए TCS को दिक्कत आएगी, अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आप TCS नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान दे दीजिएगा कि पैन कार्ड की डिटेल जरूर डालिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।